है बच्चों, आज हम पुनः फिर जो है कक्षा 12 में ही के बच्चों को ही भूगोल विषय में, अभी हम इसके पहले हम बता रहे थे प्रवास के बारे में कि प्रवास क्या चीज़ है। प्रवास के बाद से उसी प्रवास में आपके लिए दिया गया है कि प्रवास को निर्धारण करने वाले कारण, प्रवास जो है कोई ऐसा जनसमूह हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना प्रवास की संज्ञा दी गई है। पुनः फिर उसी में प्रवास को निर्धारण करने वाले जो कारक है, वो पहला जो कारक आपका है वह है अपकर्ष कारक और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या चीज है इसको हम सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या है। आप जानते हैं कि अपकर्ष कारक ऐसा है कि जब लोग नगर की सुख सुविधाओं को देख करके समझ करके वहाँ जाते हैं तो ऐसे जनसमूहों को हम अपकर्ष कारक कहते हैं। पुनः एक बात भी सुन लो कि जब लोग या नगर या कोई व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं या आर्थिक आमदनी के चलते नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, बस जाते हैं, उनको हम कहते हैं अपकर्ष कारक। अभी हम अपकर्ष कारक क्या होता है, जब कोई जनसमूह या कोई व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के कारण या रोजगार के कारण शिक्षा पाने के उद्देश्य से और या व्यापार के उद्देश्य से या कोई ऐसे होते हैं जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए बाहर जाते हैं, उनकी सुख सुविधाएं सुलभ हो जाती है। जैसे मान लो शहरों में या नगरों में परिवहन के साधन है, वहाँ रोजगार के अवसर है, वहाँ मानव को रहने के लिए अनुकूल वातावरण जलवायु है, वहाँ उद्योग है, ये सारी सुविधाओं के चलते कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि हम उसी स्थान पर जाए जहाँ पर भौतिक उसकी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, परिवहन के साधन हो, वहाँ पर उद्योग हो, वहाँ पर रोजगार के अवसर मिलते हो, ऐसे स्थान वहाँ पर हम शिक्षा ठीक से ग्रहण कर पाए, ऐसे स्थान पर जब जाते हैं उनको हम कहते हैं अपकर्ष कारक। तो अभी अपकर्ष कारक की बात कर रहे हैं हम कि लोग नगर में जब जाते हैं तो नगर की सुख सुविधाओं के चलते वहाँ
कि अनुकूल जलवायु के चलते जो जा करके वहाँ पर लोग बसते हैं रहते हैं उनको हम कहते हैं अपस्कारक। अब है प्रतिकर्ष कारक, क्या चीज़ है? ठीक, प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, जब मानव या कोई व्यक्ति या कोई जन समूह बेरोजगार हो, भूखमरी हो, अनेक तरह से अस्वस्थ हो, वहाँ जो है मजबूरन जनसंख्या जो है पलायन करती है, जाती है, उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। कहने का अर्थ यही हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए आप, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जो है अधिकांश कृषि कार्य पर ही निर्भर है। जब कृषि कार्य पर निर्भर है तो निश्चित है अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है किसी अन्य क्षेत्रों में जाकर के वो अपना कार्य करेंगे, अपनी जीविका को चलाएंगे, जाकर के वहाँ पर बस जाएंगे। तो ये सब दुनिया जो आती है वह प्रतिकर्ष कारक में आता है कि जो है प्रतिकर्ष कारक में हस्तांतरण मानव क्यों जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्यों पलायन होता है, उसका मेन कारक यही है। वह मेन कारक जो है आपका बता दे रहे हैं जो है बेरोजगारी है, ये उत्तरदायी कारक है। बेरोजगारी है, आजीविका के साधनों की कमी है। जब गांव ग्रामीण अंचलों में आजीविका का साधन नहीं हो पाएगा तो जाएगा ही नगरों के ओर, और जीविका के साधन की कमी हो, बेरोजगारी हो, कृषि के कार्यकाल कृषि के कार्य जो है कम मिलते हो, वहाँ भूखमरी हो, वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, प्रतिकर्ष करते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और अपनी जीविका को उपार्जन करते हैं। इस प्रकार जो है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक को हमने बताया। जो है आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि का आसर परिवर्तन से ही होगा। तो मैंने आपको यह प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक को एक बार पुनः भी मैंने अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक को हमने आपको जो है एक बार और जो है आपको हम जो बता दे रहे हैं वह जो है आपके ऐसा है कि जब हम जानते हैं कि अपकर्ष कारक में का जो हमने उदाहरण आपको बताया कि ये कौन ऐसे जो कारण हो सकते हैं जो प्लान हो सकते हैं, तो रोजगार के अवसर, रहन सहन, अच्छी दशाएं जहाँ पर हो, शांति हो, अस्थायित्व हो, जन जीवन संपद सुरक्षा हो, वायु हो, वहाँ तो ऐसे स्थान पर जो लोग जाते हैं। तो इन कारणों के वजह से जो है लोग जो है नगरों की जाते हैं, क्षेत्रों की तरफ जो है प्रवास करते हैं, प्लान करते हैं, तो उसको हम अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक में हमने आपको उदाहरण के लिए भी बता दे रहा हूँ कि रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएँ हों, वहाँ पर जो है शांति हो,
रोजगार के अवसर भी मिलना चाहिए। ये सब जो है आपके जो है अपकर्ष कार्य में आते हैं, तो रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था, रहने की जगह, तमाम वहाँ पर शांति हो, स्वार्थ की सुविधाएं हो, यही सब कारक जो है अपकर्ष कारक है जो लोगों को, जनसंख्या को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। और प्रतिकर्ष कारक का जो उदाहरण हमने बताया आपको वह है बेरोजगारी, रहन सहन का स्तर क्या हो, निम्न हो, काम वहां पर न मिलता हो, उपद्रव हो, वहां पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती हो, ऐसी जगहों पर जनसंख्या नहीं रहती है, जिसे जनसंख्या जो है और दूसरे तरफ जो है हस्तांतरण करती है, बस जाती है। तो आज हम इसको प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक को मैंने बताया कि अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या है। इस प्रकार जो है हम आपको जो है आज इसके बाद से ये दूसरा चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। फिर हम अगले आपको जो है इसी भाग में आपको जो है हम दूसरा खंड है वह है लोक भारत और अर्थव्यवस्था। वह दूसरा जो खंड है आपका वह दूसरा जो खंड है भारत और लोक और अर्थव्यवस्था। भारत और अर्थव्यवस्था जो दूसरा खंड है उसमें हम आपको जो है पढ़ाएंगे कि जनसंख्या वितरण, यह जो हमने आपको बताया प्रथम खंड से वह है विश्व स्तर पर हमने बताया। अब दूसरा जो खंड जो भी चलेगा आज आप ये ध्यान में रख लें कि प्रथम खंड जो है विश्व से संबंधित पूछा जाता है और द्वितीय खंड जो होता है आपका भारत से पूछा जाता है। इसीलिए जो है भूगोल को इंटरमीडिएट की कक्षाओं में दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक जो है विश्व का भूगोल कह लीजिए और दूसरा भारत का भूगोल। तो आपको हमने प्रथम खंड में विश्व से संबंधित हम जनसंख्या को बताए हैं। यह मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो आपकी किताब जो है किताब का नाम है, और दूसरा जो आपका जो भाग किताब का जो नाम है जो खंड है वह है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो हम अगले टर्न पर आपको दूसरे खंड से जो है आपको दूसरे खंड में ले चलेंगे। आप इसको याद कर लेना, लिख लेना, इसको नोट बना लेना।